आज हमारा आजादी का दिवस है, तो ज्यादातर स्कूल्स में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोग्राम वगैरह होता है, तो आज से एक हफ्ते पहले एक बहुत ही अजीब चीज हुई मेरे साथ। मेरी क्लास टीचर हमारा अटेंडेंस ले रही थी हमारे क्लास की, और उन्होंने पूछा कि मैं मतलब कुछ लोगों को सेलेक्ट करूंगी और आप लोगों को 15 अगस्त को स्कूल आना होगा। तो हमारे क्लास 8 से, अब फिर मुझे पता नहीं था किस बात के लिए, हो सकता था स्टूडेंट्स को वॉलंटियरिंग के लिए बुलाएं, या फिर स्कूल में कुछ भी मतलब मैनेज करना हो या कुछ भी करना हो प्रोग्राम के लिए रिलेटेड, तो उसके लिए बुला रहे होंगे शायद से, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। एक मैम ऐसे हमारी ज्योग्राफी की टीचर आती है और मुझे और एक मेरी क्लासमेट को बोलती है कि तुम लोगों को 15 अगस्त को 8:30 बजे रिपोर्ट करना है। फिर मुझे समझ में नहीं आया किस बात के लिए, तो मैंने मैम से पूछा कि मैम कुछ काम है क्या हमसे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें किसी चीज के लिए अवार्ड मिलेगा। मैं सोच रही मैंने तो ऐसा भी किया ही नहीं है कि मुझे अवार्ड मिले। मतलब ऐसा एक होता है ना कि आपको पता हो कि आपको कुछ मिलने वाला है, तो आपको एक आशा रहती है कि चलो मुझे मिलेगा। मुझे तो मतलब हवा में से वो बात मेरे पास आती है कि तुम्हें एक अवार्ड मिलेगा, तुम 15 अगस्त को आ जाना। तो आज मैंने बोला गुरुदेव स्टेज पे चलिए मेरे साथ लेने। तो हमेशा मेरे पैर कांपते हैं स्टेज पे जाने टाइम, मगर आज ऐसा कुछ भी नहीं, और उल्टा मतलब जो चीज मैं भूल चुकी थी वो सब चीज मुझे अवार्ड्स मिले और गिफ्ट्स मिले। तो मतलब मुझे तो याद नहीं था कि मैंने किस जमाने में वो काम किया था, किस जमाने में मैं गई थी उस चीज के लिए, और गुरुदेव उन सब चीजों के लिए जो मुझे ऐसा लगा था कि ये तो कोई चलो नॉर्मल सा कंपटीशन है, उसके लिए भी गुरुदेव ने मुझे हर एक अवार्ड दिलाया, हर एक गिफ्ट दिलाया। तो बहुत अच्छी जैसे बात। इंटरनेशनल बुक राइटिंग में था, सन्मार्ग पत्रिका के लिए था, तो हम तो ऐसे मतलब स्टूडेंट्स हम तो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे स्कूल में होता है ना कि आप एक कविता लिखिए या फिर आपको एक निबंध लिखिए, तो हम लोग निबंध लिख के या कविता लिख के दे देते थे। तो मेरा मैं छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा जय गुरुदेव किसी भी चीज के पीछे लिख देती थी, एकदम छोटा छोटा, जैसे वो एग्जामिनर पढ़ ही ना पाए या जो टीचर है वो पढ़ ही ना पाए, तो मेरी कॉपी के पीछे भी ना कवर पे जय गुरुदेव लिखा रहता है हमेशा, जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव, और मैं ऐसे ओम का साइन बना के और छोटा सा एकदम लिख देती थी जिससे किसी को ना पता चले। और मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं ऐसे लिख दू तो किसी को दिखता नहीं है, तो मैंने जिस जिस पेपर पर ऐसा लिखा था मेरा उसमें हार्डली 3 नंबर कटे थे, इस बार एग्जाम में हार्डली 3 नंबर कटे थे 40 में, हर सब्जेक्ट 30 के ऊपर नंबर आया। तो अब गुरुदेव अगर फुल मार्क्स दिलाने लगे तो मैं पढ़ना लिखना छोड़ दूंगी, इसीलिए गुरुदेव बोलते हैं कि ये 3 मार्क्स कटाओ बेटा तो तुम और अच्छे से पढ़ोगी। तो वो पूरे मतलब पूरे मार्क्स दे देंगे गुरुदेव, तो हम क्या होता है ना अपने मार्क से भटक जाएंगे, हम तो सोचेंगे कि फिर गुरुदेव तो फुल मार्क्स दिला ही दे तो क्या करेंगे अब उतना अच्छे से पढ़ के, गुरुदेव तो पास करा ही देंगे। तो इस भ्रम को हटाने के लिए गुरुदेव मार्क्स कटाते रहते हैं, हमें भ्रम ना हो। तो मैं ये सजेशन देना चाहूंगी गुरुदेव को, आप करिए, आप उनकी आराधना बिल्कुल मन से करते रहिए, आपको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपने सोची नहीं होंगी। जी बिल्कुल गुरु बहन, आपने सही कहा। और आराधना ही बड़ी दिव्य है ये। आप कहाँ से जुड़ते हैं? मैं कोलकाता से जुड़ती हूं। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा अनुभव लगा आपका और आनंद आया। और जब आप गुरुदेव से कनेक्ट होते हो तो फिर गुरुदेव आपकी प्रार्थना सुनते हैं और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, आपको सफलताएं भी मिलती हैं। ये आज हमने गुरुदेव के जो प्रश्न और उत्तर का सेशन था उसमें भी हमने सुना कि भाई एक गुरु भाई ने पूछा था ना, भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा ध्यान और नाम जप करो, उस कंपटीशन में सफल हो जाओगे। तो गुरुदेव सब चीजों का ध्यान रखते हैं। चलिए, और और भी कुछ? हाँ बताए बेटा। हम जब गुरुदेव की आराधना करते हैं तो ऐसा होता है ना कि हमें एक आभास होने लगता है कि ये क्वेश्चन आएगा,
ये आ सकता है। और अगर आपकी उस साधना में उस वो मतलब गहनता है तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। मुझे तो ऐसा हुआ था एक बार कि मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया और मैं डायग्राम वो प्रैक्टिस करके गई, सबने वो क्वेश्चन छोड़ा, मैंने क्या, तो मुझे मार्क्स मिल भी गए। तो ऐसा होता है ना कि आपको चीजें दिखनी भी लग जाती है, आपको आभास हो जाएगा कि चलो ये जो कंपटीशन देते हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको एक पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, ये टॉपिक मतलब इम्पोर्टेंट होगा क्वेश्चन पेपर में। तो ये तो मतलब एक तरह से होता है ना कि आप टाइम मशीन से जाते हो और देख के आ जाते हो। वैसा है, गुरुदेव एक तरह से बोले तो हम बच्चों के लिए डोरेमोन की तरह है, सब कुछ दे देते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो लेकिन फिर भी हमें पढ़ाई पे ध्यान देते हुए आराधना करनी चाहिए, हाँ कहीं ये नहीं हो कि गुरुदेव पास करवा देंगे या गुरुदेव तो नहीं क्वेश्चन पेपर दिखवा देंगे पहले ही, तो पढ़ने की क्या जरूरत है। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए, अपनी पूरी मेहनत से काम करना चाहिए और फिर एग्जाम देना चाहिए और फिर गुरुदेव पे छोड़ देना चाहिए कि अब आप संभालो। गुरुदेव हमारी वर्चुअल पिटाई भी करते हैं, आपको ऐसी सिचुएशन में फंसा देंगे आपकी गलती के लिए, जो फिर आप सोचोगे कि नहीं मैंने गलती की इनसे, इनसे ओवर कॉन्फिडेंट होके। एक दिन मैंने ऐसे ही क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी मैंने, मेरे को बोला मम्मी ने कि ध्यान कर ले, मैंने बोला नहीं लेट हो रहा है, मैं चली गई एग्जाम में। एग्जाम में सर मुझे याद था पहले 15 मिनट में, जब मैं वो लिखने गई मैं भूल गई। मैंने इतना बैठ के मैं पसीने छूट रही, गुरुदेव ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर मैं नहीं लिखूंगी तो मार्क्स कट जाएंगे, और इस पे अगर गलती हो गई तो मम्मी तो फिर और डांटेगी मेरे को, गुरुदेव दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो मैं वहां पे बैठ के, मेरे पास आधे घंटे थे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे बैठ के ध्यान करेंगे। मैंने अपना मतलब हेड डाउन कर लिया, मैं ध्यान करने लगी। एग्जैक्ट 15 मिनट की आंखें खुली तो अचानक ऐसा लगा कि कोई वो आके आंसर मेरे को बोल रहा है, मगर वहां था कोई भी नहीं। मैंने फटाफट क्या कि वो क्वेश्चन क्या था क्या था, करते करते मेरे को याद आ गया, मैंने फटाफट से लिख लिया, क्योंकि अगर उसके बाद मैं भूल जाती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती। तो गुरुदेव को हमेशा हर एक स्थिति में याद रखना बहुत जरूरी है, वरना फिर वो आपको बिल्कुल एग्जाम को या फिर कहीं और वो आपको आंसर भुलवा देंगे। बिल्कुल बेटा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th में हूँ। 8वीं क्लास में। अच्छा, बहुत हाँ अच्छा। आपने गुरुदेव की आराधना में बहुत इसको अच्छे से पकड़ रखा है इतनी छोटी सी उम्र में, ये बड़ी अच्छी बात है और हम सभी को आपसे प्रेरणा मिल रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। आप गुरुदेव की आराधना करते रहें और इसी तरह गुरुदेव अवार्ड्स जीतते रहें। जी, जय गुरुदेव जी गुरुदेव। पूछिए, गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ पिंकी गुरुवेन से? जय गुरुदेव। जी, मैं तो इतना गुरुदेव को जब देखो तब साथ में लेके चलती है। आज हम लोग बाइक से जा रहे थे सुबह, तो स्कूल में बुलाया तो ये बोल रही थी हम तीनों बाइक पे बैठ गए, गुरुदेव किधर बैठेंगे, हम बोले सच में जगह तो नहीं बचा है। हम बोले टंकी पे जगह बैठा है बचा है, गुरुदेव को उधर बैठा लो। वो बोलते थे अरे गुरुदेव हमारे इतने लंबे चौड़े हैं, वो बाइक पे कैसे बैठेंगे। फिर हम बोले अब गुरुदेव को ये बोलना पड़ेगा, गुरुदेव अब 4 चक्का गाड़ी चाहिए। फिर वो जहाँ जाती है हम लोग उतना इंक्लूड नहीं करते जितना वो हर टाइम बोलती है। गुरु उसको आज गिफ्ट वाउचर भी मिला था 1000 का, तो वो पहले बोल गुरुदेव के लिए कुछ खरीद के लाऊंगी पहले, हमरे ठीक है। अच्छा, हाँ तो ये हर चीज में गुरुदेव को ये करती है, मतलब फिजिकल वो मतलब जैसे होता है ना घर में कोई मेंबर है तो वो हर टाइम गुरुदेव के लिए ये, वो अभी आप आपको देख के वो तब से हंसे जा रही थी। हम बोले क्यों बोल रहे हैं उनको बोलो गुरुदेव के नाक पे सांस नहीं ले पा रहे हमें गुरुदेव। हम बोले चलो बोल, तो वो तब से हंस रही थी और उसने खुद ही बोला। जी, गुरुदेव। और उसको तो हाँ, गुरुदेव ने उसने कंपटीशन दिए थे, मतलब कहाँ कहाँ जाती है उतना हमें भी नहीं ध्यान रहता, स्कूल वाले लेके जाते हैं, लेकिन वो जितने उसको आज 7 चीजों के लिए उसको स्कूल थी उसको मेडल मिला, लेकिन वो सारे मेडल स्कूल में स्कूल के तरफ से जाती है तो उनके पास है।
लेकिन इसको बहुत सारे अवार्ड मिले। सब अच्छा लोग पूछते हैं एक बच्चा को इतना सब कुछ में हर फील्ड में कैसे मिल सकता है। सारे पेरेंट्स इसको ही देख रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा को जो है उसमें से बहुत सिलेक्टेड बच्चे गए थे और सब कुछ इसी को जा रहा था, तो कितना सब कोई सोच रहा है कि एक ही बच्चा को इतना कुछ कैसे जा सकता है। इसके पापा भी बोले कि ही बच्चा है, हम बोले हाँ हमारा ही हाँ है। नहीं, गुरुदेव की विशेष कृपा है बिटिया पे, बहुत अच्छा तो है गुरुदेव जी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गुरुदेव की आराधना आपको ऐसा बना देगी कि आपके अपने मम्मी पापा आपको पहचानने से विश्वास नहीं करेंगे कि ये हमारा ही बच्चा है, या आपके खुद करेंगे आपको। बिल्कुल बेटा, सही कह रहे हैं आप। गुरुदेव से हमें जुड़ना चाहिए, उन्हीं की आराधना करनी चाहिए, और यही जीवन का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए हमारा।